हमारे युवा साथी, हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सब यहाँ पे आए हैं। मैनपुरी का उपचुनाव होने जा रहा है और यह पहला उपचुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है, और मेरा मानना है कि मैनपुरी जहाँ नेताजी की कर्मभूमि रही है, जहाँ नेताजी ने कई विकास कार्य कराए हैं, जहाँ नेताजी सबको साथ लेके आगे बढ़े हैं, सबका सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैनपुरी की जनता आने वाले चुनाव में, जो चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, जो नेताजी का चुनाव है और आप सबका चुनाव है, इस क्षेत्र से नेताजी का भावात्मक जुड़ाव रहा है। मैनपुरी नेताजी के हृदय में बसती थी, यहाँ के लोग, और उन्होंने कोशिश करी कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास काम यहाँ कराएं, और उन्हें कराया भी है। हम लोग जितनी भी सड़कें देख रहे हैं और जो भी मैनपुरी में काम हुआ है, और मुझे लगता है कि पिछले 6 सालों में एक पैसे का भी नया काम यहाँ पे नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी की विचारधारा और सिद्धांत रहा है कि वो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करने का काम किया है, सड़कें जो गांव को गांव से जोड़ सके, जो शहरों को जोड़ सके, जिलों को जिलों से जोड़ सके, विधानसभाओं को विधानसभाओं से जोड़ सके, यह काम कराए हैं समाजवादी सरकार ने। तो समाजवादी सरकार, समाजवादी लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और कुछ सरकारें ऐसी सरकारें हैं जो तोड़ने का काम करती है, जो दमन करती है, शोषण करती है। और याद रखिएगा मेरी बात, कोई भी नहीं इससे बच सकता है। अगर आप सब लोग एक नहीं हुए तो कोई नहीं बचेगा इससे, सबका दमन उत्पीड़न होगा। और जो हालात पहले थे, जिन परिस्थितियों से समाजवादी नेताओं ने, हमारे आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय नेताजी, हम सबको यहाँ लाके खड़ा किया है, उन्हीं परिस्थितियों में वापस यह मौजूदा सरकार सबको पहुंचाना चाहती है, जहां दमन शोषण इन चीजों का दबाव हमेशा बना रहेगा सभी पे। मुझे खुशी इस बात की है कि आज बड़ी मात्रा में यहाँ पे मेरी माताएं और बहनें आई हैं, और तालियों से स्वागत कर दीजिए भाभी का। और मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि का देने का काम आप सब करेंगे। प्रशासन सख्ती कर सकता है, कर ही रहा है, लेकिन महिलाओं से कोई नहीं लड़ पाएगा। महिला हमारी बेटियां, हमारी माताएं नारी शक्ति का रूप है, और आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, आप लड़ जाइएगा। और जितने भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तो 4 तारीख को बस आप अपने घर पे मत सोइएगा, कहीं भी और सो जाइएगा, और 5 तारीख को कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता है। सब अपना वोट धड़ल्ले से दीजिएगा, क्योंकि 6 तारीख को सब यहाँ से गायब हो जाएंगे। एक बुजुर्ग आदरणीय मुझे रस्ते में मिले थे और उन्होंने कहा कि बेटा, आपका चुनाव आपके खिलाफ कोई और नहीं लड़ रहा, सरकार लड़ रही है। तो हमने भी कह दिया कि मेरा चुनाव भी यहाँ की जनता लड़ रही है। तो मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहती हूँ कि समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी मूल्य जो नेताजी ने रखे थे, उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं विचारों को, उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाना का कार्य अब हम सबके कंधों पे है, और हम सब मिलके एकजुट होके यह कार्य आने वाले समय में करने जा रहे हैं। जिस तरह युवाओं को नौकरी देने का काम किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था, गांव-गांव लैपटॉप पहुंचाने का काम किया था, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया था,
कन्या विद्या देने का काम किया था, अच्छी सड़कें, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो समाजवादी पार्टी ने करी थी, वो सब व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। और इस क्षेत्र से जहां हमारे आदरणीय नेताजी का व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है, भावात्मक जुड़ाव रहा है, मेरा मानना है कि ये क्षेत्र नेताजी का सम्मान और बढ़ाने का काम करेगा।